हिमाचल प्रदेश में बरसात ने कहर बरपाया है। 31 जुलाई की आधी रात के बाद कहर बरपा है। शिमला, मंडी और कुल्लू जिला में भारी बारिश, बादल फटने, बाढ़ आने से 4 लोगों की मौत हुई है, वहीं 49 लोग लापता हैं, एक व्यक्ति घायल हुआ है। साथ ही 4 पुल, 2 पैदल पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। 20 घर और 6 दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। 1 NH और 5 सड़कें बंद हुई हैं। कुल्लू जिला की बात करें तो निरमंड के जाउन में बादल फटने से 1 की मौत हुई है, 9 लोग लापता हैं। इसमें 11 मकान और 6 दुकानें बह गई हैं, 2 पुल बह गए और 1 सड़क बंद है। सैंज में पार्वती नदी का जल स्तर बढ़ने से 1 बस बह गई और 1 सड़क बंद है। मलाड़ा में बादल फटने से 1 नेशनल हाईवे, 1 पुल और 1 सड़क क्षतिग्रस्त हुई है। मंडी के टिक्कर थल्लू कोट पधर में बादल फटा है, इसमें 3 की मौत हुई है, 7 लोग लापता हैं, 1 व्यक्ति घायल है, 3 से 4 घर बह गए हैं और 1 सड़क बंद है। शिमला जिला के रामपुर में छाकड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट के पास बादल फटा है, इसमें 33 लोग लापता हैं, 5 घर बह गए हैं, 1 JCB और 3 हल्के वाहन पानी में बहे हैं, 1 सड़क, 1 पुल और 2 पैदल पुल बह गए हैं। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।